फार्मा जैसे छोटे मझौले स्टॉक्स पर भी ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी नजर होनी चाहिए। आईटी कंपनियों में इसलिए तेजी बन सकती है क्योंकि ग्लोबली भी अगर आप देखें धीरे धीरे करके लॉकडाउन जो खुल रहा है उसमें अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम करना पसंद कर रहे हैं, सारे लोग देखिए दफ्तर में नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है आईटी कंपनियों का काफी बड़ा रोल रहने वाला है इस लॉकडाउन में फाइट करने के लिए। तो टाटा एलेक्सी इसलिए भी क्योंकि ये टाटा मोटर के लिए भी काम करती है और ऑटो कंपनियों की बिक्री अगर बढ़ती है ग्लोबली तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन फिर दिखा सकते हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर पर भी रखिएगा नजर और फर्स्ट सोर्स जैसे स्टॉक्स, रैमको सिस्टम्स जैसे मिड कैप आईटी कंपनियां आज आपके रडार पर होनी चाहिए। मेरी टीम में देखिए खरीदारी के साथ बिकवाली वाले कुछ शेयर्स भी शामिल किए। भारतीय एयरटेल को शुरुआत में रखा है खरीदारी के लिए, अच्छा नतीजा इन्होंने पेश किया है और आरपू में बहुत बढ़िया गेन देखने को मिला है, 4G कस्टमर्स में गेन मिला है, डेटा कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ा है तो नतीजे काफ़ी रोबस्ट है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। इंटरग्लोब एविएशन में लेकिन सेल साइड की कॉल है क्योंकि अभी भी कोई उम्मीद दिख नहीं रही है कि कब से फ्लाइट शुरू होंगी और शुरू भी होंगी तो बड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ होंगी तो इंटरग्लोब में अभी भी बेच के चलना चाहिए। जीएसके फार्मा इसके नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, ऑपरेशनली बहुत अच्छे नंबर हैं और आगे भी उम्मीद है कि नंबर बढ़िया दिखेंगे इसलिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अदानी पोर्ट में दिक्कतें अभी बनी हुई हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड खुलने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा तो इस स्टॉक के लिए नेगेटिव है, बेच के चलना चाहिए। सौराष्ट्र सीमेंट छोटी सी कंपनी है लेकिन नतीजे बहुत अच्छे दिए हैं, घाटे से मुनाफे में आ गई है, 6.5 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दिखाया 5.5 करोड़ के नुकसान के सामने, ये एक बहुत पॉजिटिव है और करीब 6-7% की ग्रोथ सेल्स में देखने को मिली है तो वो भी एक पॉजिटिव है। ONGC, HOEC और ऑयल इंडिया में खरीदारी करिए क्योंकि जो क्रूड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ा बेहतर खबर है क्योंकि कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो करीब 75% की तेजी देखने को मिली खासतौर पर ब्रेंट में, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है तो इन कंपनियों के लिए राहत है और यहाँ पे तेजी बन सकती है। FDC में खरीदारी करके चलिए और BIS GVS में बेच के चलिए क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग की जाँच सेबी कर रही है।